মমতা উদ্ভব সাক্ষাৎ। মাতোশ্রীতে গিয়ে উদ্ভব ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ মমতার। বৈঠকে উদ্ভব পুত্র আদিত্য ঠাকরেও বাজেট অধিবেশনের আগে এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ। এই বাজেট অধিবেশনের আগে এই বাজেট তাৎপর্যপূর্ণ। মমতা উদ্ভব সাক্ষাৎ। মাতোশ্রীতে গিয়ে উদ্ভব ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ মমতার। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी अगर बंगाल में एक साथ में काम करे तो हमारा लिए दिक्कत होता है। तीन पार्टी मिलकर एक दफे भी किया, लेकिन कांग्रेस ऑल इंडिया में उसको खिलाफ नहीं है, लेकिन बंगाल में उसको कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम लोग सब एक कट्टा हो गई है। दीदी बांग्ला प्रसंगे एक प्रश्न आशा कर एक मिनट आप जैसे मैंने कहा जमी हस्तांतर करा होते 3000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होगा तो ये बंगाल के लिए अच्छा है। देखो सज्जन जिंदल जी भी उधर में दो पावर का फैक्ट्री बना रहे हैं और हमारा जो अंडल एयरपोर्ट है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सौरभ गांगुली इज ऑल्सो डूइंग so it's good for Bengal also and for country also। যদি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে 22 তারিখ থেকে, সেখানে কি আপনারা মোদী সরকারের যে জনবিরোধী বিভিন্ন নীতি তার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোট কি একসাথে লড়াই করবে? দেখো ইন্ডিয়া টিম ইজ এনাফ স্ট্রং আর ইন্ডিয়া টিম অল দ্য টিম আর ইম্পর্টেন্ট সো আই শুড নট সে এনিথিং অ্যাবাউট পার্লামেন্ট। ইট ইজ দ্য এমপিস উইল ডিসাইড অ্যান্ড দে উইল থিঙ্ক হোয়াট এভার দে লাইক টু ডু হোয়াট ইজ কারেক্ট। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की भाषा की गई थी भाजपा की तरफ से, तब से यहाँ पे महाविकास आघाड़ी जिस तरह से लोगों ने बहुमत दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी उद्धव जी और उन्होंने जो फाइट किए महाराष्ट्र में उसको कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया। उसको देखो सिंबल भी ले लिया, this is absolutely unethical। instead of that they fought like tiger and I like it। मलाट आपण ने ये हमारे पारिवारिक एक एक ये पारिवारिक मुलाकात है तो बोले ना बोले আমি তো রোজ দেখি না আমার কুটি থেকে নলেজ নিয়ে আসে। let me see first কি বলেছে then I can reply। Without seeing, I cannot reply। No। सुनो एक मिनट, मुझे जो कुछ कहना है मैं ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहूंगा। आप कृपा कर समझे ये हमारी पारिवारिक मुलाकात थी, कृपा कर इसमें राजनीति ज्यादा मत लाइए। हम जो हमें कहना होता है हम खुलेआम कहते हैं, कहने के लिए कुछ हम डरते नहीं है और जहाँ जो कुछ कहना है मैं और दीदी हम कहते हैं और कहेंगे, उसमें कुछ डरेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा बात समझिए कि एक पारिवारिक मुलाकात है, इसमें कृपा कर राजनीति ज्यादा मत लाइए। तो धन्यवाद सर। खाली एक बात हमारा लिए, हमारा पार्टी का स्टैंड इज वेरी क्लियर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अवर मेन आइडियोलॉजी एंड वी यूज टू प्रोटेक्ट इट। दीदी महाराष्ट्र मैंने तो बोल दिया ना।